नमस्कार। आइए आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इन 1924 डी ब्रोगली प्रपोज्ड दैट ऑल मूविंग पार्टिकल्स बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। इसका अर्थ है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मूविंग पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करता है। इसी को हम बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स या ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक ने एक इक्वेशन दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, E इक्वल टू एच न्यू, जहां पर E इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन है, H इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट है एंड न्यू इक्वल टू फ्रिक्वेंसी। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, E इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन, m इक्वल टू मास ऑफ फोटॉन एंड c इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। और इन दोनों से जब दोनों को कोरिलेट किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से h न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वेयर हुआ है। वी नो दैट लेमडा इक्वल टू सी न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। न्यू यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, सी वेलासिटी ऑफ लाइट है और लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अब यदि इस इक्वेशन को न्यू की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक इक्वेशन मिलेगी आपको एच अपॉन लेमडा इक्वल टू एम इन टू सी। इसी इक्वेशन को हमने डी ब्रोगली इक्वेशन का नाम दिया है। अब यदि सी इक्वल टू v हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पर लेमडा इक्वल टू एच अपान एम वी इक्वेशन हो जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन है, ये यहाँ पर वेव नेचर के लिए, ये पार्टिकल नेचर के लिए। ये यहाँ पर एक डायग्राम भी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर दिखा रहे हैं रेड से और इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी दिखा रहे हैं। एम सी को जो है मोमेंटम ऑफ फोटॉन कहते हैं, तो यहाँ पर एम सी को रिप्लेस कर दिया लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी हुआ। तो इस प्रकार से जो है डी ब्रोगली इक्वेशन हमको मिलती है यहाँ पर लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। दिस इज द डी ब्रोगली इक्वेशन। तो ये डेरिवेशन आपको यहाँ पर करके आना है। थैंक यू।